स्टूडेंटर फोर क्वाड्रेटिकाइज फोर पॉइंट रीड करते हैं आपके पास फोर प्रॉब्लम गिवन है और आपसे बोला गया है कि आपने इनके रूट्स फाइंड आउट करने हैं दैट मीन्स कि एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर एग्जिस्ट कर रही है बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वेयर राइट सो इसके लिए मैं अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम देखती हूं दैट इज टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री टू जीरो हमारे पास ये जो स्क्वायर के साथ टू आ रहा है इसे हमने वन बनाना है राइट right? सो so, इसके लिए मैं सारी की सारी इक्वेशन जो है इसे टू के साथ डिवाइड कर दूंगी राइट सो डिवाइडिंग द होल इक्वेशन विथ

और जीरो डिवाइडेड बाई टू यहां पे जीरो आ जाएगा सो so, ये टू इसके साथ कैंसिल हो गया हमारे पास एक्स स्क्वेर माइनस सेवन बाई टू एक्स प्लस थ्री बाई टू इक्वल टू जीरो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई राइट right? अब आई नो इट वेरी वेल कि हमारे पास ए माइनस बी स्क्वायर जो है ये ए स्क्वेयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वासके इक्वल आती है अब ये जो मेरे पास फॉर्मूला आया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इसे मैं इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करूंगी ए की वैल्यू मेरे पास एक्स आ जाएगी और माइनस टू ए बी जो है इसकी वैल्यू माइनस सेवन बाई टू एक्स आ गई अब ये जो माइनस टू ए बी आया है इसमें आप ए की वैल्यू पुट कर दोगे सो माइनस टू एक्स बी ये उट so, कर करनी है सो बी इक्वल टू सेवन बाई टू ये टू जो है दूसरी साइड जाके डिनोमिनेटर में आ जाएगा सो सेवन बाय टू इन टू फोर हो गया सो so, बी की वैल्यू कितनी आ रही है दैट इज सेवन बाई फोर अब ये जो बी की वैल्यू आई है ये हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्क्वायर की फॉर्म में एड और सब्ट्रैक्ट करेंगे राइट सो यू कैन राइट नाउ इन आर इक्वेशन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस सेवन बाई टू एक्स प्लस थ्री बाई टू इक्वल टू जीरो एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर राइट सो दैल्यू ऑफ बी स्क्वायर इज सेवन बाई फोर एंड इट स्क्वायर राइट सो इक्वेजन क्या बन जाएगी एक्स स्क् माइनस सेवन बाई टू एक्स प्लस थ्री बाई टू प्लस का सेवन बाई फोर स्क्वायर आ जाएगा माइनस का सेवन बाई फोर स्क्वायर यहां भी मैंशन कर दोगे और ओवरऑल इक्वेशन जो है वो जीरो ही बनेगी राइट right? अब ये जो सेवन बाय फोर स्क्वायर आया है

कौन सी फॉर्मेट में दिख रही है आप यहां पे लिख लेते हो सो so, ये जो x है ये a के इक्वल माना था माइनस सेवन बाई टू एक्स जो था ये माइनस टू ए भी माना था प्लस ये सेवन बाई फोर स्क्वायर जो है डेफिनेटली b आया था राइट सो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर तो ये किसके इक्वल आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इस फॉर्मूले के इक्वल आएगा दैट मीनस कि हम एक्स स्क्स सेवन बाई टू एक्स प्लस सेवन बाई फोर का स्क्वायर इट कैन बी रिटर्न सेवन बाई स्क्स बी का होल स्क्वायर बन गया राइट right? प्लस अब ये टू और सिक्सटीन इसका हम एल लेंगे सो so, टू के टेबल पे सिक्सटीन आता है तो सिक्सटीन इज द एल सी एम सिक्सटीन डिवाइडेड बाई टू एट आ गया एट इन टू थ्री ट्वेंटी

ये प्लस का ट्वेंटी फाइव बाई जाएगा, राइट सो so, अगर मैं ट्वेंटी फाइव के स्क्वायर तो so, लिख सकते हैं 16 के जो है, अगर मैं टू से स्टार्ट करती हूं तो इट विल बी टू इंटू टू इन टू टू इंटू टू सो ये एक फैक्टर ये एक फैक्टर सो इट विल बी फोर इंटू फोर दैट मीन्स कि मैं फोर का स्क्वायर ले सकती हूं राइट सो so, ये कैंसिल आउट करने के लिए मैं दोनों साइड जो है स्क्वायर रूट ले लूंगी राइट सो एक्स माइनस सेवन बाई फोर होल स्क्वायर इट कैन बी रिटर्न एज फाइव का स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर का स्क्वायर नाउ यू कैन टेक टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड यहां पे स्क्वायर रूट आ गया एक्स माइनस सेवन बाई फोर होल स्क्वायर पे अब ये जो फाइव बाई फोर है इसे भी हम फाइव बाई फोर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और यहां पे भी स्क्वायर रूट आ जाएगा ये स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल हो गया ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो गया राइट सो एक्स माइनस सेवन बाई फोर इक्वल टू फाइव बाई फोर आ गया अब मुझे पता है कि अगर मैं माइनस माइनस भी करती हूं तो वो डेफिनेटली प्लस में ही आता है दैट मीन्स कि माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही देगा और प्लस का स्क्वायर जो है वो भी हमें प्लस ही देता है दैट मीन्स कि ये जो फाइव बाई फोर वैल्यू है ये प्लस माइनस कोई भी हो सकती है राइट right? सो so, अब इसे मैं सेपरेटली सॉल्व करूंगी एक साइड एक्स माइनस सेवन बाई फोर इक्वल टू प्लस का फाइव बाय फोर ले लूंगी और दूसरी साइड एक्स माइनस सेवन बाई फोर इक्वल टू माइनस का फाइव बाय फोर लिख लूंगी राइट right? अब ये माइनस का सेवन बाय फोर जब मैं इक्वल टू के दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो ये प्लस का जाएगा सो फाइव बाई फोर प्लस सेवन बाय फोर आ गया फोर मैं एलसीएम ले सकती हूँ सो फोर डिवाइडेड बाई फोर वन वन इंटू फाइव फाइव आ जाएगा प्लस फोर डिवाइडेड बाई फोर वन वन इंटू सेवन सेवन आ गया एक्स इक्वल टू फाइव प्लस सेवन यहाँ पे ट्वेल्व आ गया डिवाइडेड बाय फोर फोर वन द फोर

Now, x 5 7, यहां पर टू आ गया डिवाइडेड बाय फोर टू वन दू टू टू वैल्यू हमारे पास वन बाई टू आ रही है तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी इसके लिए जो x की वैल्यूज हैं वो थ्री एंड वन बाय टू आ रही हैं और यही हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं सो यू कैन राइट एक्स इक्वल टू थ्री एंड वन बाई टू आर द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन अब हम अपनी सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं सो दैट इज टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो ये भी हमने कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड के साथ सोल्व करनी है तो इसके लिए पहले ये जो टू है एक्सक्वेयर के साथ इसे मैं वन बनाऊंगी सो डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय टू राइट सो सारी की सारी इक्वेशन लिख लेंगे टू एक्स स्क्वायेयर प्लस एक्स माइनस फोर बाई टू इक्वल टू जीरो भी टू के साथ डिवाइड हो जाएगा अब इसे स्प्लिट करके लिख लेते हैं सो टू एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस एक्स बाय टू माइनस फोर बाय टू जीरो डिवाइडेड बाय टू जीरो बन जाएगा सो so, ये टू इसके साथ कैंसिल हो गया टू वन द टू 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 द फोर सो जो क्वाड्रिटिक इक्वेशन आ रही है दैट इज एक्स प्लस एक्स बाय टू माइनस टू इक्वल टू जीरो अब वी नो दैट की हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायेर ये किसके इक्वल आता है

x बाई टू के इक्वल आएगी राइट right? B की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे ये जो a b है, इसमें मैं a की वैल्यू पुट कर सकती इक्वल टू बीवल टू वन बाई टू b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये जो टू है इसे हम इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाएंगे सो so ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा वन बाई टू इन टू वन बाई टू तो b की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है वन बाई फोर अब ये जो बी की वैल्यू आई है इसे हम एक्स स्क्स एक्स बाई ट में प्लस और माइनस करेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर दैट मींस कि इस वैल्यू का पहले आप स्क्वायर करोगे एंड देन इस वाली इक्वेशन में उसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे यू कैन राइट नाउ इन आर इक्वेशन नाउ इक्वेशन इज एक्स स्क्स एक्स बाई टू माइनस टू इक्वल टू जीरो बी स्क्र तो बी की वैल्यू कितनी आई है दैट इज वन बाई फोर तो इसका आप स्क्वायर कर दोगे राइट सो इक्वेशन क्या बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू माइनस टू प्लस का वन बाय फोर का स्क्वायर आ जाएगा और माइनस का वन बाय फोर का स्क्वायर आ गया और ये ओवरऑल आपने इक्वल टू जीरो कर दिया क्योंकि अगर आप बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देती हो तो वो आपस में कैंसिल ही हो जाएगा दैट मींस कि उसका एक्चुअल इक्वेशन पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा लेकिन अब हमने जो अपना एक्चुअल फॉर्मूला है वो डेराइव करना है इससे सो so, ये वन बाय फोर का स्क्वायर जो है इसे मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय टू के साथ लिख लूंगी एक्स बाई टू प्लस वन बाय फोर का स्क्वायर आ गया माइनस टू माइनस वन बाय फोर का स्क्वायर जो है आप एज इट इज लिख लोगे और ये ओवरऑल इक्वल टू जीरो आ गया ये जो एक्स स्क्वेयर है ठीक है इसे हमने ए स्क्वायर के इक्वल किया था सो so यहाँ पे जो फॉर्मूला बन रहा है दैट इज ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर और ए की वैल्यू जो है वो हमने एक्स मानी थी तो एक्स का स्क्वायर आ गया टू ए बी की वैल्यू हमने एक्स बाई टू मानी थी और बी स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी बायर का स्क्वायर राइट right? तो ये ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर जो है ये किसके इक्वल बन गया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर दैट मीन्स कि ये जो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय टू प्लस वन बाय फोर का स्क्वायर है इसे हम एक्स प्लस वन बाई फोर होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं राइट right? तो ये वैल्यू हम यहां पे लिख लेंगे सो एक्स प्लस वन बाई फोर और इसका होल स्क्वायर आ गया ये माइनस टू माइनस वन बाय फोर का होल स्क्वायर इसे जब मैं इक्वल टू के दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो ये प्लस का आ जाएगा सो टू प्लस वन फोर इसका होल स्क्वायर आ गया एक्स प्लस वन फोर अब मैं होल स्क्वायर इक्वल टू एल सी एम आ गया क्योंकि टू के नीचे कुछ नहीं है तो मैं वन एज्यूम कर लेती हूँ सो सिक्सटीन इंटू वन सिक्सटीन हो जाएगा ना डिवाइडेड बाई वन सिक्सटीन आ गया सिक्सटीन इंटू टू थर्टी टू प्लस सिक्सटीन डिवाइडेड बाई स वन बन जाएगा x प्लस वन बाई फोर होल स्क्वायर एक टू प्लस वन थर्टी थ्री, थ्री, थ्री आ जाएगा डिवाइडेड बाय सिक्सटीन अब ये जो थर्टी थ्री है ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है दैट मींस कि अगर मैं इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहती हूं तो इसके लिए थर्टी थ्री का अंडर रूट लिखूंगी राइट सो so जब आप अंडर रूट ऑफ थर्टी थ्री इन अंडर रूट ऑफ थर्टी थ्री, थ्री, थ्री करोगे तो ये मेरे पास थर्टी थ्री रहेगा दैट मीन्स Under root of 33 का square जो है, it will give surely 33. तो इसका इसका मैं perfect square कैसे लिख सकती होल so, no, स्क्वायर आ गया सो so, यहां पे अंडर रूट ऑफ थर्टी थ्री इसका स्क्वायर ले लूंगी डिवाइडेड बाई अब फोर इंटू फोर जो है ये सिक्सटीन बनाता है राइट right? सो so, यहां पे मैं फोर का स्क्वायर अगर कर देती हूं तो मेरे पास सिक्सटीन आ जाएगा राइट अब ये जो स्क्वायर हमारे पास आए हैं इन्हें हमने कैंसिल आउट करना है सो so, इसके लिए मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लूंगी राइट सो so, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड सो जब आप स्क्वायर रूट लोगे सो so, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वन बाई फोर होल स्क्वायर आ गया इक्वल टू अब ये जो अंडर रूट थर्टी थ्री इसका स्क्वायर और फोर का स्क्वायर इसे मैं होल स्क्वायर कर सकती हूँ सो अंडर रूट थर्टी थ्री बाई फोर यहाँ पे होल स्क्वायर आ गया और ऊपर हम अंडर रूट ले, ले लेंगे राइट सो so, ये स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ कैंसिल हो गया ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल आउट हो गया ये जो हमारे पास स्क्वायर आया है जरूरी नहीं है कि ये वैल्यू जो है प्लस की ही हो क्योंकि आई नो दैट कि अगर आप माइनस का भी स्क्वायर करते हो तो वो प्लस ही बनाता है राइट प्लस का स्क्वायर तो डेफिनेटली प्लस ही देगा राइट right? सो so, यहां पे ये जो वैल्यू है इसे मैं प्लस माइनस अंडर रूट थर्टी थ्री बाय फोर अज्यूम कर लूंगी सो एक्स प्लस वन बाई फोर इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट थर्टी थ्री बाय फोर आ गया एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये जो वन बाय फोर है प्लस का इसे जब मैं इक्वल टू के दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो ये माइनस का आ जाएगा सो प्लस माइनस अंडर रूट थर्टी थ्री बाय फोर माइनस वन बाय फोर आ गया अब ये जो प्लस माइनस है इसे मैं सेपरेटली सॉल्व करूंगी एक साइड एक्स इक्वल टू प्लस अंडर आ गया अब एलसीएम ले सकते हैं सो एक्स इक्वल टू फोर इज दल्सियम फोर डिवाइडेड बाय फोर वन वन इंटू अंडर वु थर्टी थ्री सो माइनस वन आ गया दूसरी साइड अगेन हम एलसीय लेंगे फोर इज दलसी फोर डिवाइडेड बाय फोर वन वन इंटू माइनस अंडर रूड थर्टी थ्री माइनस अंडर रूड थर्टी थ्री आ गया फोर डिवाइडेड बाय फोर वन वन इंटू वन वन हो जाएगा सो माइनस वन आ गया ये हमारे पास एक्स की दो वैल्यूज आ गई सो यू कैन राइट अंडर रूट थर्टी थ्री माइनस वन बाय फोर एंड माइनस अंडर रूट थर्टी थ्री माइनस वन बाय फोर आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन अब हम अपनी थर्ड इक्वेशन देखते हैं सो इट इज फोर एक्स स्क् प्लस फोर अंडर टू जीरो सबसे पहला टारगेट हमारा क्या है कि ये जो एक्स साथ फोर है इसे हमने वन बनाना है राइट right? सो so, इसके लिए ये सारी की सारी इक्वेशन जो है इसे हम फोर के साथ डिवाइड करेंगे राइट सो डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय फोर राइट right? तो फोर के साथ जब आप डिवाइड करोगे सो इट विल बी फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर अंडर रूट थ्री एक्स प्लस थ्री बाय फोर आ गया और ये जीरो बाय फोर बन जाएगा राइट right? सो so अब हम इसे स्प्लिट करके लिख लेते हैं सो फोर एक्स स्क्वायर बाय फोर प्लस फोर अंडर रूट थ्री एक्स बाय फोर प्लस थ्री बाय फोर जीरो डिवाइडेड बाई फोर जीरो आ जाएगा ये फोर इसके साथ कैंसिल हो गया ये फोर इसके साथ अब जो क्वाडेटिक इक्वेशन आई है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट थ्री एक्स प्लस थ्री बाई फोर इक्वल टू जीरो राइट अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसे हमने ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखना है राइट सो वी नो दैट कि हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये किसके इक्वल आता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के इक्वल राइट सो ए की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन के साथ इस इक्वेशन को कंपेयर करती हूँ तो ए की वैल्यू एक्स आएगी राइट right? और जो टू ए बी है इसकी वैल्यू अंडर रूट थ्री एक्स आएगी बी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं सो टू ए बी में ए की जगह पे हम पुट कर देंगे राइट सो टू एक्स बी इक्वल टू अंडर रूट थ्री एक्स आ गया तो so ये एक्स इसके साथ कैंसिल हो गया नाउ टू बीवल टू टू अंडर रूट थ्री बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सो बी एक रूट थ्री बाई टू आ जाएगा राइट right? अब ये जो बी की वैल्यू आई है इसका स्क्वायर जो है हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे अपनी इस इक्वेशन में यू कैन राइट नाउ इन आर इक्वेशन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट थ्री एक्स प्लस थ्री बाई फोर इक्वल टू जीरो एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग बी स्क्वायर राइट सो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास इट इज अंडर रूट थ्री बाय टू राइट सो इसका स्क्वायर जो है आप एड और सब्ट्रैक्ट करोगे इस इक्वेशन में राइट सो इक्वेशन क्या बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट थ्री एक्स प्लस थ्री बाय फोर प्लस का अंडर रूट थ्री बाय टू होल स्क्वायर आ जाएगा और माइनस का अंडर रूट थ्री बाय टू होल स्क्वायर आ गया और ओवरऑल इक्वेशन इक्वल टू जीरो बी स्क्वायर किया राइट अब ये जो अंडर रुड थ्री बाई टू का होल स्क्वायर है इसे मैं एक्स स्क्स अंडर रुड थ्री एक्स के साथ लिख लूंगी सो एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रुड थ्री एक्स प्लस टू इसका होल स्क्वायर आ गया प्लस थ्री बायर माइनस अंडर आप करोगे सो रूट थ्री मीन्स की जो थ्री है इसकी पावर हाफ है सो so इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे दोनों पावर्स मल्टीप्लीकेशन में है तो ये ऐड हो जाएंगी सो वन प्लस वन बाय टू आ गया सो थ्री टू बाय टू सो दैट मीन्स कि अंडर उठ इन टू अंडर थ्री ही देता है राइट right? सो so, यहाँ पे थ्री आ जाएगा डिवाइडेड बाय टू का स्क्वायर फोर आ गया राइट इक्वल टू जीरो अब ये थ्री बाय फोर माइनस थ्री बाय फोर ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा सो इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूड थ्री एक्स प्लस अंडर रूट थ्री बाय टू होल स्क्वा टू जीरो आ गया अगर ये जो एक्स स्क्स अंडर रूट थ्री एक्स प्लस अंडर रूट थ्री बाई टू का होल है, इसे मैं ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी के साथ कंपेयर करूं तो ए स्क्वा प्लस बी स्क्वायर ये फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो ए जो है इसकी जगह पे हमने एक्स्यूम किया था टू ए बी की जगह पे हमने अंडर रूट थ्री एक्स ज्यूम किया था और बी की वैल्यू श्योरली अंडर आ जाएगा और ये अगर मैं इस फॉर्मेट में लिखना चाहूं तो ए एक्स आ गया प्लस बी जो है अंडर इसका होल स्क्वायर आ जाएगा राइट सो so, यहां पर हम सेम वैल्यू लिख सकते हैं एक्स प्लस अंडर रुड थ्री बाई टू होल स्क्वा टू जीरो आ गया अगर आप जीरो का स्क्वायर करते हो तो डेफिनेटली वो भी जीरो ही आता है सो इफ आई टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड सो यहां पे स्क्वायर रूट आ गया एक्स प्लस अंडर रूट थ्री बाई टू होल स्क्वायर पे राइट right? और जीरो पे भी अगर आप अंडर रूट लेते हो तो वो जीरो ही बन जाएगा राइट right? सो so, ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो गया जीरो का स्क्वायर टू जीरो आ गया राइट सो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये प्लस का अंडर रूट थ्री बाई टू जब मैं दूसरी साइड लेके जाऊंगी इक्वल टू के तो ये माइनस का अंडर रूट थ्री बाई टू आ जाएगा राइट right? एक्स की वैल्यू जो है इट इज माइनस अंडर रूट एंड सेकेंड वैल्यू इज ऑल्सो माइनस अंडर रूट आर दी ऑफ गिवन इक्वेशन नाउ अब हम फोर्थ पार्ट देखते हैं द फोर्थ पार्ट इज टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फोर क्वल टू जीरो फर्स्ट टारगेट हमने ये जो X square के साथ टू है इसे वन बनाना है, राइट? इसके लिए मैं सारी की सारी इक्वेशन जो है इसे टू के साथ डिवाइड कर दूंगी राइटिंग टू so, आ जाएगा राइट सो टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फोर बाय टू इक्वल टू जीरो बाय टू आ गया अब मैं इसे स्प्लिट करके लिख लेती हूँ टू स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स बाई टू जीरो कैंसिल कर दिया टू वन दू टू टू पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है दैट इज एक्स स्क्वास बाय टू प्लस टू इक्वल टू जीरो अब हमने जो है इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इस फॉर्मूले के साथ कंपेयर करना राइट सो यू कैन राइट वी नो दैट a प्लस बी होल स्क्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर तो अगर आप ये जो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर आया है इसे अगर इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करो तो a की वैल्यू x आएगी और टू ए बी की वैल्यू एक्स बाई टू आएगी राइट सो ये जो टू ए बी है इसमें हम ए की वैल्यू एक्स पुट कर देंगे राइट right? क्योंकि हमने बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सो so, ये इक्वल आ गया गया ये X, इसके साथ कैंसिल हो नाउ कैंसिलू राइट बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो so, ये जो टू है इसे जब मैं इक्वल टू के दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो ये डिवीजन में आ जाएगा सो वन बाई टू इन टू वन बाई टू आ गया तो so, बी की वैल्यू कितनी आ रही है बी इक्वल टू वन बाय फोर अब हम ये जो बी की वैल्यू आई है हम जो अपनी एक्चुअल इक्वेशन है उसमें इसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे राइट सो यू कैन राइट नाउ इन आर इक्वेशन सो इक्वेशन इज एक्स स्क्वेर प्लस एक्स बाई टू प्लस टू इक्वल टू जीरो एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग b स्क्वायर दट मींस वन बाई फोर स्क्वायर राइट सो इट विल बी एक्स स्क्स एक्स बाई ट होल स्क्स वन बाई फोर होल स्क्वायर और ये इक्वल टू जीरो आ गया राइट right? अब ये जो बी स्क्वायर है इसे मैं एक्स प्लस एक्स बाय टू के साथ लिख लूंगी बी स्क्वायर मींस वन बाई फोर का होल स्क्वायर सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू प्लस वन बाई फोर होल स्क्वायर प्लस टू माइनस वन बाई फोर होल स्क्वायर आ गया और ये इक्वल टू जीरो बन जाएगा राइट सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू प्लस वन बाई फोर होल स्क्वायर ठीक है इसे अगर आप ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के साथ कंपेयर कर रहे हो तो ये जो फॉर्मूला था ये किसके इक्वल आया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर के राइट सो अगर मैं ए की जगह पे एक्स मान लेती हूँ टू ए बी की जगह पे एक्स बाय टू मान लेती हूँ और बी की जगह पे वन बाय फोर ले लेती हूँ सो so, ये हम कैसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वन बाय फोर का होल स्क्वायर ये वाली इक्वेशन जो है इसे हम एक्स प्लस वन बाय फोर इसका होल स्क्वायर लिख देंगे सो so, साथ में प्लस का टू माइनस वन बाय फोर का स्क्वायर माइनस वन बाय सिक्सटीन आ गया इक्वल टू जीरो आ गया सो एक्स प्लस वन बाय फोर इसका होल स्क्वायर ले लेंगे प्लस अब मैं एलसीएम ले सकती हूँ टू माइनस वन बाय सिक्सटीन को सॉल्व करने के लिए टू के नीचे कुछ नहीं है तो मैं वन एज्यूम कर लेती हूँ वन इंटू सिक्सटीन सिक्सटीन आ गया सिक्सटीन डिवाइडेड बाय वन सिक्सटीन आ जाएगा सिक्सटीन इन टू थर्टी टू आ गया माइनस सिक्सटीन डिवाइडेड बाई वन आ जाएगा इक्वल टू जीरो सो प्लस बाय होल स्क्वायर पे 30, आ गया डिवाइडेड अब ये जो 31 16 है इसे जब आप इक्वल टू के दूसरी साइड लेके जाओगे तो ये माइनस का आ जाएगा राइट माइनस थर्टी वन बाई सिक्सटीन आ गया अब हमारे पास कोई भी रियल नंबर ऐसा नहीं है जिसका स्क्वायर जो है नेगेटिव आ सके राइट right? तो अगर नेगेटिव स्क्वायर किसी का नहीं आ सकता है दैट मींस कि ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका कोई भी आंसर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है राइट सो यू कैन राइट सिंस स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बी negative so answer of the given equation does not exist